लोभ के वशीभूत मनुष्य अनंत पाप करके लाखों की संपदा जोड़ता है, किंतु श्रेष्ठ कार्यों में कौड़ी भी खर्च नहीं करता। ऐसा ही एक चरित्र प्रस्तुत करती है ये लुब्धक सेठ की कथा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। एसो पंच नमो यारो सव पाव पणासिनो मंगलाणम च सवेसिम परमम हवई मंगलम। बच्चों, जिनवाणी में पाप का बाप किसको कहा है? गुरुजी, लोभ को पाप का बाप कहा गया है। सुमित, तुम बताओ, लोभ को पाप का बाप क्यों कहा है? गुरुजी, लोभ के ही कारण मनुष्य अनेकों पाप करता है। लोभ के ही कारण क्रोध आदि कषाय होती है। लोभी मनुष्य नीति अनीति भक्ष अभक्ष सभी को भुलाकर पापों में लगा रहता है, जिसके परिणाम से उसे नरकादि दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए लोभ को पाप का बाप कहा है। बिल्कुल ठीक बच्चों, लोभ पाप का बाप है। हम आज आपको ऐसी कथा सुनाते हैं कि एक धन का महालोभी व्यक्ति सारी जिंदगी धन संचय करता रहा, न सुख से स्वयं जिया, न दूसरों को जीने दिया। चंपापुर नगरी, उसका राजा अभय बाहन था। उसकी एक सुंदर नेत्रों वाली रानी थी, जिसका नाम था पुंडरीका। उसी नगर में एक लुब्धक सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम नागवसु था। वह अपने दो पुत्र, एक गरुड़दत्त और एक नागदत्त, दोनों के साथ रहता था। लुब्धक ने खूब धन इकट्ठा करके सोने के पशुओं की जोड़ियां बनवाई थीं। उनके पूंछ, नाखून, खुर इत्यादि में बहुमूल्य हीरे जड़वाए थे और उन पशुओं को जोड़ियों को इतना सुंदर बनवाया था कि उसका एक संग्रहालय तैयार हो गया था। जो कोई भी उस प्रदर्शनी को देखता, वह लुब्धक सेठ की कला संग्रह की बहुत प्रशंसा करता और लुब्धक सेठ भी अपने को धन्य मानता। लेकिन लुब्धक सेठ को इस बात का दुख था। वह एक बैलों की जोड़ी बना रहा था, किंतु एक बैल अधूरा रह गया था। वह इस कमी को पूरा करने के लिए दिन रात कोशिश करने लगा और जंगल से लकड़ी काट कर लाता, बेचता और धन इकट्ठा करता था। एक दिन लगातार 7 दिनों तक पानी पड़ने से सभी नदी नाले भर गए। ऐसे समय में भी लुब्धक सेठ जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने लकड़ियां काटकर गट्ठर बांधा और सर पर उठाकर घर ले आया। किसी ने सत्य ही कहा है कि इस जीव की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। रानी पुंडरीका महल की छत पर बैठी हुई प्रकृति की छटा निहार रही थी। राजा अभय बाहन भी साथ में बैठे हुए थे। उसी समय रानी ने लुब्धक सेठ को लकड़ी का गट्ठर लाते हुए देखा और राजा से कहा, आइए रानी, विराजिए। महाराज, हमारे राज्य में एक व्यक्ति इतना गरीब भी है, उसे पानी में से लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ती हैं। दुनिया में कोई गरीब कोई अमीर होता ही है, सब पुण्य पाप का ही खेल है।
स्वामी, जगत की जैसी विचित्रता है उसे रहने दो। हमें हमारा कर्तव्य निभाना चाहिए। यदि प्रजा दुखी है तो राजा को कलंक लगता है। महारानी, आप क्या चाहती हैं? राजन, आप उस गरीब व्यक्ति को बुलाकर उसकी निर्धनता दूर करो। यह मुझे सहन नहीं होता कि हमारे राज्य में कोई दुखी और निर्धन रहे। ठीक है रानी, तुम चिंता मत करो, हम अभी उस निर्धन को बुलाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। राजा के आदेश पर सैनिक लकड़ी काट रहे व्यक्ति को दरबार में ले आई। स्वयं राजा को भी उस व्यक्ति के ऊपर तरस आ रहा था और राजा ने उससे कहा, रानी, हमने उस निर्धन व्यक्ति को महल में बुलवाया है। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे याद किया। हाँ बंधु, तुम कौन हो? महाराज, मैं लुब्धक हूँ। लगता है तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है, जो इस भीषण बरसात में भी लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हो। हमें तुम पर दया आती है। तुम हमारे खजाने से जितना चाहो धन ले लो और सुख से जीवन यापन करो। महाराज, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे केवल एक बैल ही चाहिए। क्या कहा भाई, मात्र एक बैल? अरे तुम जो चाहो ले सकते हो, संकोच मत करो। नहीं नहीं महाराज, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरे एक बैल की जोड़ी अधूरी है, उसे पूरा करने के लिए मुझे एक ही बैल चाहिए। ठीक है, तुम हमारी पशुशाला में जाओ और वहां अधीक्षक से कहना कि तुम्हें जो बैल पसंद आए वह तुम्हें दे दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। राजा के आदेशानुसार लुब्धक को पशुशाला में ले जाया गया और एक बैल लेने को कहा गया, किंतु लुब्धक सेठ को उनमें से एक बैल भी पसंद नहीं आया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। लुब्धक सेठ ने कहा, महाराज, आपके बैलों में मेरे जैसा एक भी बैल नहीं। राजा को मन में आश्चर्य हुआ और वह राजा लुब्धक सेठ के घर गया तथा लुब्धक सेठ की सोने के बैल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैं जिसको इतना निर्धन समझ रहा था वह इतना धनवान है। लुब्धक की पत्नी नागवसु ने राजा को घर आया देखकर प्रसन्नता से रत्नों से भरा हुआ थाल लुब्धक सेठ के हाथ में दिया। उसकी छाती फटने लगी, लोभ से उसका हृदय कांपने लगा, किंतु राजा को समीप देखकर लुब्धक सेठ को वह थाल हाथ में लेना पड़ा। जैसे ही सेठ ने रत्नों से भरा थाल हाथ में लिया, उसके हाथ कांपने लगे और वह थाल जैसे ही राजा को देने लगा, राजा को उसकी कांपती हुई उंगलियां सर्प के फण के समान मालूम हुई। राजा को उससे बहुत नफरत हुई और राजा ने एक पल भी रुकना वहां श्रेष्ठ न समझा। वहां से शीघ्र ही उसका नाम फणहस्त रखकर वापस आ गया। बच्चों, जिसने कभी अपने जीवन में फूटी कौड़ी दान में नहीं दिए हो, वह क्या दूसरों की प्रेरणा से दान दे सकता है? कभी नहीं। वह मूर्ख फिर से दिन रात मेहनत में जुट गया और यह कोशिश करने लगा, मेरे बैल की जोड़ी पूरी हो जाए। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, अभी मेरे बैलों की जोड़ी पूरी नहीं हुई है, मुझे पैसा कमाने के लिए विदेश जाना चाहिए। पिताजी, हमारे पास इतना धन है कि हमारी सात पीढ़ियां भी खा सकती है, आप व्यर्थ मेहनत क्यों करते हो?
बेटे तुम नादान हो, धन से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। धरती पर एक से बढ़कर एक चक्रवर्ती हुए हैं, उनके आगे तो हमारा धन कुछ भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हम इतने धन का क्या करेंगे? तू मूर्ख है, तेरे जैसा बेटा पाकर तू मेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा। मुझे आज ही परदेश जाना है, और याद रखना, धन से एक फूटी कौड़ी भी कम ना हो। लुब्धक को अपने सोने के बैल की जोड़ी बनाने की बहुत इच्छा थी। वह इस उद्देश्य से धन कमाने के लिए सिंगल द्वीप गया। वहां उसने बहुत धन कमाया। समुद्री जहाज पर धन लादकर अपने देश वापस आने लगा। रास्ते में तूफान आ जाने से उसका जहाज समुद्र के विशाल गर्भ में समा गया, और वह लुब्धक सेठ आर्त ध्यान से मरकर अपने ही गर्भालय में सर्प बना। सर्प बनने पर भी वह अपने धन के पास बैठा रहता था और किसी को भी एक फूटी कौड़ी नहीं लेने देता था। सर्प को धन के ऊपर बैठा हुआ देखकर उसके बड़े पुत्र गरुड़दत्त को बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में आकर उस सर्प को मार दिया। वह सर्प मरकर चौथे नरक गया, जहां अनंत काल तक बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। बच्चों, इस प्रकार जीव क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर इस धरती पर महाकष्ट भोगता है। बच्चों, यह कथा यह बोध देती है कि जीव लोभादि कषायों के वशीभूत होकर किस किस प्रकार के दुख भोगता है। अतः पाप का बाप लोभ तत्काल ही छोड़ने योग्य है। बोलो दिगंबर जैन धर्म की जय हो, तीर्थ धाम मंगलायतन की जय हो, जय जिनेंद्र।